आज मुझे लगता है कि बिलासपुर के इतिहास में आज का दिन सबसे काला दिन है। मेरी जानकारी के अनुसार जब से बिलासपुर बना है, आज पहली बार बिलासपुर में, वो भी डीसी ऑफिस के सामने, एसपी ऑफिस के सामने, सेशन जज के कोर्ट के सामने दिन दिहाड़े गोली चलना, गोली चलाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये गोली कांड किसी और ने नहीं करवाया है, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर कोसुटर उसके घर से आए थे जब उन्होंने गोली चलाई, और गोली चलाने के बाद वो सीधा उनके घर को भागे, और जो पकड़ा गया है उनके घर के बाहर पकड़ा गया है। तो हमने आज एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है कि बंबर ठाकुर को तुरंत अरेस्ट किया जाए। उन्होंने पंजाब से हायर करके गुंडे यहां की भोली भाली जनता को टेररिज करने के लिए और यहां के लोगों को मरवाने के लिए हायर किए थे। आपको ध्यान होगा कि जब कांग्रेस की सरकार बनी ही थी तब एसीसी के एक जीएम ने कंप्लेंट कराई थी, और जीएम बरमाणा से चले, उनकी गाड़ी को चेज करते हुए पीछे दूसरी गाड़ी चली, और उस गाड़ी ने घागस पे आके जीएम की गाड़ी को रोका, रिवॉल्वर दिखाई, रिवॉल्वर की नोक पर जीएम को नीचे उतारा और उससे बदसलूकी की, मारपीट की। तब मैंने विधानसभा में कहा था, वो कांग्रेस का उपाध्यक्ष था, बरमाणा में शायद उप प्रधान रहा है, तो मैंने उस दिन विधानसभा में कहा था कि वो, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये नकली पिस्तौल है, तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, इन्होंने गलत एफिडेविट दिलाया, तब भी मैंने कहा था जब टाइम आए, ऐसा अगर आप ऐसे शूटरों को संरक्षण देते रहेंगे, ऐसे माफियाओं को संरक्षण देते रहेंगे, ऐसा चिट्टा माफियाओं को संरक्षण देते रहेंगे, तो दिन दूर नहीं जब सरेआम बिलासपुर में गोलियां चली। उसी का परिणाम है आज कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। बंबर ठाकुर ने पहले बरमाणा के बाद बैरी का कांड, आपको पता है कि जो हमारा बहादुर का ढाबा है उसके उसके ऊपर गोली चली थी बिनौना में। ये जो हमारा ग्यारह सेक्टर है उसमें गुंडागर्दी का नंगा नाच हुआ था जब इनका बेटा चिट्टे के केस में इन्वॉल्व था। तो उसी का परिणाम है कि आज डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, सेशन कोर्ट, कोर्ट के सामने दिन दिहाड़े एक डेढ़ बजे के बीच में पूरी पब्लिक बीच में तीन शूटर आते हैं, जो मेरी जानकारी है कितने राउंड की गोलियां चलाते हैं, और दो लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं, और एक शूटर जिसने गोली चलाई जिसको लोकल पब्लिक ने पकड़ा, पुलिस ने नहीं पकड़ा है, लोकल पब्लिक ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया, वो बंबर ठाकुर के घर के पास बाहर उधर भाग रहा था, अंदर जाने का प्रयास कर रहा था। तो हायर गुंडा गुंडाओं से शहर की जनता को मरवाओगे, लोगों को मरवाओगे, और गोली किसी का नाम नहीं पूछी, गोली चलती है तो किसी के ऊपर भी चल सकती है। तो इसका सीधे जिम्मेदार बंबर ठाकुर है। यही मैंने आज ज्ञापन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है कि तुरंत बंबर ठाकुर को अरेस्ट किया जाए, कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जो चिट्टा बिलासपुर में बढ़ रहा है उसके सरगना भी बंबर ठाकुर है। यही, और मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि जब पुलिस किसी व्यक्ति के इशारे पे, एडमिनिस्ट्रेशन किसी व्यक्ति के इशारे पे काम करना शुरू कर देता है तो लॉलेसनेस हो जाती है। यही कारण है कि कुछ दिन पहले एक दंपत्ति का मर्डर भी सरेआम हमारे बिलासपुर में। कहां है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कहां है कानून व्यवस्था, क्या कर रही है प्रदेश सरकार? इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आज केवल और केवल ज्ञापन दिया है, हमने कल तक का टाइम दिया है, परसों हम पूरे शहर को जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जनता से आह्वान किया है, आह्वान करेंगे अगर बंबर ठाकुर को अरेस्ट नहीं किया, जो इस पूरे गोलीकांड का सरगना है, मास्टरमाइंड है, जिसने पैसे दिए हैं, तो इसलिए उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए ताकि यहाँ कानून व्यवस्था बहाल की जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।